भागवत जी के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक जन्मादित्यस्येतोन्वयादितीर्थश्चार्थे सविज्ञासः। भगवान कैसे हैं? जन्मादित्यस्य, जन्मादित्यस्य का मतलब है जन्मादित्यस्य, जो इस संसार के आदि में पूरी दुनिया से पहले भगवान थे। जो परमात्मा पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड बनाने से पहले भी आनंद में रहते, मुस्कुराते रहते हैं, भगवान के दुनिया से पहले भी है और दुनिया बनने के बाद भी है, और जब पूरा संसार नहीं रहता, प्रलय हो जाता है, तब भी भगवान रहते हैं। बोले कैसे हैं? तो बोले स्वराट, स्वराट माने होता विराट। वो परमात्मा इतने बड़े हैं कि पूरा ब्रह्मांड भी भगवान के पैरों के अंगूठे के नाखून में आएगा। पैरों के अंगूठे की जो नाखून वाला एरिया होता है, नाखून की जगह, उतने में तो पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा, इतने बड़े हैं वो। विराट स्वराट है, विराट है। जनवाद्यस्य तो उन्वया इतरथश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट तेरी जिनको बड़े बड़े साधु महात्मा सूरवीर तपस्वी लोग भी भगवान को नहीं पा पाते हैं। तेने ब्रह्म बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करते रह गए, नाम लेते रह गए, राधे राधे बोलते रह गए, पर भगवान नहीं आए। ते जैसे सूर्य की किरणें होती है ना, कभी कभी रेत में आप जाएंगे राजस्थान में, रेगिस्तान में, सूर्य की किरणों में ऐसा लगता मानो पानी है यहाँ। सूर्य की किरणें रेत में जब पड़ती है, कभी कभी अपने यहाँ भी होता है, तो ऐसा लगता है मानो पानी है, पर पानी नहीं होता, रेत होती है। ऐसे ही परमात्मा की माया है, ऐसा लगता है यहाँ पर सुख है, जब ही आपके पास वो वस्तु आई या वो जगह आई या वहां पहुंचे, वहां पर जाने के बाद हे भगवान यहाँ फालतू भाई वही अच्छा था। तेजो वार्य विनमयो यत्र सर्गो मृषा, क्योंकि भगवान की माया सबको बंधन में बंधी है। धामना स्वीन सदा निरस्त गुरुकम सत्यम परम धीमहि। जिस परमात्मा के, जिस भगवान की माया से कोई नहीं बच पाया, देवता भी नहीं बच पाए, उस परब्रह्म परमात्मा की हम वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो बोले वो भगवान कैसे हैं? तो सत्यम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, ना तो कृष्णम परम धीमहि, ना रामम परम धीमहि, ना शिवम परम धीमहि, ना दुर्गा प्रियम धीमहि, इसी देवता का नाम नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। अब सत्य बोल दिए ना, तो सत्य में सब आ गए, दुर्गा मैया आ गई, काली मैया आ गई, शंकर जी आ गए, हनुमान जी आ गए, सत्य में सब भगवान आ गए। जहाँ सत्य आ गए वहां सारे ईश्वर आ गए, और जहाँ असत्य आ गए वहां से भगवान कोसों दूर चले जाएंगे। तो लिखा है सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। परमात्मा सत्य है, उसका हम ध्यान करते हैं। धर्म प्रोचित कई दबोत्र परमो, और दूसरे श्लोक में कहते हैं धर्म माने धर्म प्रोचित कई दबोत्र परमो। सूची कहते हैं एक होता है धर्म, धर्म माने क्या होता है? दुकान चलाना भी धर्म है, घर बनाना भी धर्म है,
बच्चों को पढ़ाना भी धर्म है, बेटी का विवाह करना भी धर्म है, पत्नी को शॉपिंग कराना भी धर्म है, घर लेना भी धर्म है, पर ये कौन सा धर्म है? ये शरीर का धर्म है, ये नियम है, व्यवहारिक धर्म। इसको कहते हैं व्यवहारिक धर्म। एक धर्म है शरीर का, तो भागवत जी में आया धर्म ब्रोहित कहि नमोत्र परमो निर्वसनम। बड़े आश्चर्य की बात है, लोग इसी धर्म में लगे रहते हैं, आज ये कर ले, कल वो कर ले, परसों वो कर ले। तो एक होता है धर्म, धर्म भी करना चाहिए, और एक होता है परम धर्म। धर्म है क्या? हमारे कर्तव्य कर्मों को पालन करना भी धर्म है, और एक होता है परम धर्म। आप यहाँ आकर बैठ गए, ये क्या हो रहा है? परम धर्म हो रहा है, सबसे बड़ा धर्म हो रहा है। धर्म है जीवन चलाना, धर्म है परिवार चलाना, धर्म है माता पिता की सेवा करना, धर्म है बेटे को पढ़ाना, और परम धर्म है भागवत की कृष्ण की कथा सुनना, भगवान के लिए समय निकालना। देखिए भगवान के लिए दो चीज निकालिए, समय और संपत्ति। क्या क्या? समय और संपत्ति। कोई भी व्यक्ति, संसार का प्रत्येक व्यक्ति क्या करते हैं? खूब पैसे कमाते हैं लोग, पूरा जीवन पैसे कमाए, पैसे कमाते कमाते पूरा जीवन दे दिए, बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए, और भगवान के मंदिर भी नहीं जा पाए, कथा भी नहीं सुन पाए, भागवत तो करा ही नहीं पाए। तो क्या करें? जिस समय से, जिस अच्छे समय से आपने पैसा कमाया, पूरी जवानी चली गई पैसे कमाने में, उस पैसे को परमात्मा के चरणों में लगा देंगे, भागवत की कथा करा लेंगे, तो क्या होगा? समय भी पवित्र हो जाएगा, जीवन भी पवित्र हो जाएगा, और मृत्यु भी मंगलमय हो जाएगी, मरने के बाद भी मोक्ष मिल जाएगा। जय जय श्री राम। धर्म है कर्तव्य कर्मों का पालन, और परम धर्म है भगवान से प्रेम करना, भगवान के लिए कुछ करना, अपने लिए खुद कर लिए, संसार के लिए खुद कर लिए, परिवार के लिए लोग मरते दम तक करते हैं, करना चाहिए भी, किंतु अपने लिए भी कर लीजिए, आत्मा का कल्याण कर दीजिए, सबके लिए कर दीजिए, और आखिरी में नरक में जाने से अच्छा है कुछ अपने लिए कर लीजिए, क्योंकि शरीर जब जाएगा तो क्या जाएगा साथ में? धर्मानुरोगच्छति जीवयेन। हमारे शरीर के साथ, हमारी आत्मा के साथ केवल और केवल हमारा किया गया सत्कर्म जाएगा। अब देखिए आप बैंक ले रहे, पैसा कर लीजिए इकट्ठा, इंश्योरेंस करा लीजिए, बीमा LIC बीमा कराने वाले अंदर करते थे बहुत बड़े हो, तो बीमा क्यों कराते हैं? इंश्योरेंस इसलिए करवाते हैं कि हम चले जाएं अकस्मात तो हमारे परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मिले। लेकिन व्यक्ति चला गया उसकी जगह कोई ले नहीं सकता, जो चला गया उसकी कीमत हो ही नहीं सकती, अमूल्य है, फिर भी पैसे होते हैं। हम शरीर के लिए बीमा तो करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, बैंक में पैसे डालते हैं, पर अपनी आत्मा के लिए कभी कोई बीमा नहीं किए। आत्मा का जो बीमा है ना, आत्मा का जो इंश्योरेंस है, वो है श्रीमद भागवत, वो है दान, वो है गौ सेवा, वो है पुण्य, वो है अच्छे काम। शरीर का बीमा करना चाहिए, सबको कराना चाहिए, अच्छी बात है, किंतु अपनी आत्मा का बीमा स्वयं करेंगे, अभी करेंगे तो अगले हजारों जन्मों में मिलने वाला है। और सच मानिएगा, अगर आज आप यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, इस धरती में आप क्या सुन रहे हैं, कि हमारा इस जन्म का पुण्य नहीं है, ना ना ना, ये पूर्व जन्मों का पुण्य है कि आप कथा सुन रहे हैं, कथा कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। तो क्या करना है? भगवान के चरणों में मन लगाना, क्योंकि ये परम धर्म है। आज की कथा का यहीं पर विराम होगा, विश्राम होगा प्रथम दिवस, और कल से वही सायं 4:30 से 5 तक का थोड़ा लेट चालू हुई, नियम से आए, जहाँ तक आवाज जा रही है आप जाए, साथ में 10 लोगों को लेकर आए, खूब मन से, श्रद्धा से, विश्वास से, कल से मन से, धन से कथा श्रवण करें, क्योंकि कथा आ गई तो मतलब साक्षात वृंदावन यहाँ पर आ गया 7 दिन के लिए, और जहाँ एक बार वृंदावन आ जाता है वहां से कभी कहीं जाता नहीं है। जय जय श्री राम। ये सभी आरती के लिए खड़े हो जाए। Thank you.
तरफ आ जाते हैं ऐसे। भगवान की है आरती और माता पिता तुम्हें
Yeah.